हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। सो गाइस, एप्पल ने 17.4 के RC अपडेट को रिलीज़ कर दिया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने आईफोन 13 को इस नए लेटेस्ट अपडेट पे कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है और कौन कौन से नए फीचर्स आपको इस नए स्टेबल अपडेट पे देखने को मिलने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज के इस वीडियो को। तो इस अपडेट का साइज देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, 6.12 GB इसका जो साइज़ है आईफोन 13 के ऊपर मेरे को रिसीव हुआ है। तो इस अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि आपको अपने डिवाइस की जो स्पेस है वो फ्री करनी पड़ेगी। 20 GB के आसपास की जो स्पेस है वो आपके डिवाइस में अवेलेबल होनी चाहिए। तो मेरे पास करंटली काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, 98 GB अवेलेबल है, तो मैं इस अपडेट को बिना किसी प्रॉब्लम के इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर आपके केस में ये फ्री स्पेस नहीं है तो आपको सबसे पहले मिनिमम जो है वो 20 GB की स्पेस होनी चाहिए। उसके बाद आपको वाईफाई कनेक्शन को यूज़ करना है, इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ नहीं करना है, वाईफाई को यूज़ करो ताकि आप इस अपडेट को बिना किसी प्रॉब्लम के इंस्टॉल कर पाओ। उसके बाद आपके जो डिवाइस की बैटरी परसेंटेज लेवल है वो 50 से अबव होना चाहिए। अब आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको सफारी को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ये है एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट, तो आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे आपको यहाँ पर साइन अप और साइन इन की दो ऑप्शन शो करेगा। आपको यहाँ से साइन इन की बटन के ऊपर टैप करना है। जैसे टैप करोगे आपका डिवाइस यहाँ से आपकी फेस आईडी को यूज़ करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही लोडिंग शो होनी चाहिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप कर देना है और आपका डिवाइस जो है वो आपकी फेस आईडी को यूज़ कर लेगा। जब आपकी जो फेस आईडी यूज़ करेगा आपका डिवाइस, तो यहाँ से आपको डन बटन जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पेज ऑप्शन शो करेगा, यहाँ से आपको इनरोल योर एस डिवाइस के ऊपर टैप कर देना है। जैसे टैप करोगे अब आपको यहाँ से ओपन बीटा अपडेट्स के ऊपर टैप कर देना है। जैसे ओपन बीटा अपडेट्स के ऊपर टैप कर दोगे आपके सामने यहाँ पर आपको बीटा अपडेट्स जो है वो आपके सेटिंग्स में शो करना शुरू हो जाएगा आपका डिवाइस। अब आपको यहाँ से पब्लिक बीटा को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे पब्लिक बीटा को सिलेक्ट करोगे आपके सामने 17.4 का जो नया RC अपडेट है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो अपने आईफोन 13 के ऊपर। अब हम बात करते हैं इस अपडेट में आपको कौन कौन से नए इमोजेस और नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले एप्पल ने मेंशन करा है न्यू इमोजेस और ट्रांसक्रिप्ट इन एप्पल पॉडकास्ट इंक्लूड्स अदर फीचर्स एंड बग फिक्सेस एंड सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर योर आईफोन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको नए इमोजेस देखने को मिलने वाले हैं आपके डिवाइस पे। तो यहाँ पर ये कुछ न्यू इमोजेस हैं जो कि आपको रिसीव होंगे इस अपडेट में। उसके बाद जो सेकंड नया फीचर है वो है आपके स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन में। स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन में दो फीचर्स ऐड ऑन करे गए हैं। पहला है अवे फ्रॉम फैमिली लोकेशन और ऑलवेज। तो सेकंड वाला ऑलवेज है, आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन अब आप सेलेक्ट कर सकोगे जब आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर लोगे स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन के इस नए फीचर में। और साथ में आपका जो ऐप स्टोर है, जो भी यूरोपियन रीजन में रहते हैं उनके लिए साइड लोडिंग जो है वो एप्पल ने अलाउ कर दी है 17.4 के इस नए स्टेबल अपडेट में। उसके बाद आपका जो आई मैसेज की एप्लीकेशन है उसमें उसकी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज करा गया है, तो जाकि आपकी जो मैसेजेस की एप्लीकेशन है वो सिक्योर रहे और आपका जो डिवाइस है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। और साथ में आपकी जो पॉडकास्ट की एप्लीकेशन है उसमें भी कुछ नए चेंजेस ऐड ऑन करे गए हैं, जैसे कि आपको लिरिक सिस्टम जो है ट्रांसक्रिप्ट का फीचर ऐड ऑन करा गया है आपकी पॉडकास्ट की एप्लीकेशन में। और साथ में सिटी डिजिटल क्लॉक में कुछ नए विजिट्स ऐड ऑन करे गए हैं आपके क्लॉक की ऐप में, जैसे कि ये वाला जो विजिट है पहले आपको ये जो CUP लिखा है और -3 लिखा है ये देखने को नहीं मिलता था, अब आपको ये भी इस विजिट में देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ नए फीचर्स आपको 17.4 के नए RC अपडेट में देखने को मिलने वाले हैं और स्टेबल अपडेट में भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जो 17.4 का स्टेबल अपडेट है वो आपको किस डेट को देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, इसका जो स्टेबल अपडेट है वो आपको 4th March यानी कि मंडे को देखने को मिलेगा अपने ऑफिशियली डिवाइसेस के ऊपर। ये स्टेबल अपडेट एप्पल रिलीज करने वाला है इस डेट को, तो डेट नोट डाउन कर लें और अपने डिवाइस की जो स्पेस है वो भी फ्री कर लें और वाईफाई को कनेक्ट करके आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो जब एप्पल रिलीज करेगा इसका स्टेबल अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।